नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको फसलियों के दर्द को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। फसलियाँ वो घुमावदार हड्डियाँ होती हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी से हमारे छाती के चारों ओर जाती हैं। दोस्तों, फसलियों में दर्द हमारी छाती में या इसके नीचे या नाभि केंद्र से ऊपर की ओर महसूस हो सकता है। दोस्तों, फसलियों में दर्द और सूजन होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण फेफड़ों में कोई समस्या, फेफड़ों संबंधी कोई समस्या होने के कारण, दिल संबंधी कोई बीमारी होने के कारण, इसके अलावा पाचन संबंधी कोई विकार होने के कारण भी फसलियों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, जब हम बहुत अधिक फिजिकल वर्क करते हैं तो भी फसलियों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कोई प्रत्यक्ष चोट लगने के कारण और मौसम परिवर्तन के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, फसलियों में दर्द और सूजन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को मध्यम गति के साथ श्वास प्रश्वास के साथ आपने प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे हृदय संबंधी या श्वसन संबंधी सभी विकार दूर होते हैं और यह पसलियों में दर्द और सूजन की समस्या को दूर करने के लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ ले जाइए, ऊपर की तरफ देखिए, पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 5 से 6 ब्रीद ऐसे ही भुजंग आसन की पोजीशन में रहें। इस अभ्यास को करने से श्वसन संबंधी समस्त विकार दूर होते हैं और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर इसके बाद श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन में आते हैं। 5 से 6 ब्रीद ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर आपने ऐसे भुजंगासन की पोजीशन में आते हैं। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, श्वास भरते हुए कोबरा पोज में आना है, श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में आना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उच्चासन योग। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर आपने ऐसे अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं। फिर आपने अपने हाथ को ऐसे धीरे धीरे पीछे ले जाते हुए अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेना है और अपने सिर को पीछे को ऐसे लटका लेते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे सीने में दर्द और जलन की समस्या भी दूर होती है। यह अभ्यास हमारे कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन की समस्या को भी दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास होते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 30 सेकंड, फिर आप 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रहें। इस दौरान आपने अपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सेतु बंधासन को भी प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाईज के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। 5 से 6 ब्रीद ऐसे ही सेतु बंधासन की पोजीशन में रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर आपको अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास भी रख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे।
सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे इनहेल एक्सहेल। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपाल भांति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नित्य प्रति 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन योगाभ्यासों और प्राणायामों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप रिक्त पेन की समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।